चलिए अब हम लोग ना, अब करना क्या है आप लोगों को, अभी हम लोग ये प्रैक्टिस करने वाले हैं कि घर में आपको किस तरह से पापा मम्मी आपको इमला बोलेंगे, इमला बोलेंगे जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपको, ताकि आपको ढंग से हिंदी लिखना भी आ जाए, है ना। बोलते समय ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। यहाँ देखो ये तेजस जी हंस रहे हैं, तेजस जी बड़े सुंदर लग रहे हैं आप, हंस के दिखाइए। ओफो, चलिए लिखो, मैं बोलती हूँ आप लोग लिखो, ठीक है। मम्मी पापा भी आपको घर में इसी तरह से अभ्यास कराएंगे, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस करवाएंगे, घर में भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना, फटाफट आपको हिंदी लिखना आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस, हमने दो सेंटेंस तो लिख ही लिए थे, है ना, दो वाक्य हमने लिख लिए, अब शुरू करते हैं। लिखो, अपना पाठ, पा है ना, पा बनाएंगे, पापे आ की मात्रा, वेरी गुड, बहुत शाबाश। अपना पाठ याद करो, अपना पाठ याद करो। हाँ देखो, देखो आपने क्या लिखा, देखो ध्यान से, आपन है ना, लिखना क्या, अ आ नहीं है अ, ठीक है, तो ये आ का डंडा हट जाएगा, प ना, ठीक है, ठीक करो उसको, आ का ये हटाओ यहां से और ना पे डंडा लगेगा ना, अ प ना, अपना दिखाओ आपने कैसे लिखा है, वेरी गुड, सही लिखा है, वेरी गुड। राम, राम भी बच्चों ने ऐड कर दिया इसके आगे ना, अपना पाठ याद करो, वेरी गुड। चलो अगला लिखो, राधा, राधा, धा से धनुष, रा धा, धा से धनुष, अथर, वेरी वेरी गुड, धा से धनुष, धनुष वाला धनुष। घा से घर होता है, घ वाले में जब ऐसे गोल घूम के लगता है तो क्या बन जाता है, ध, है ना। राधा गमला, हाँ ठीक है, अच्छा लिख लिया, लिखिए राधा गमला, गमला, ला ला ला, देखो ला, वेरी गुड, गमला निका, वेरी गुड, राधा गमला ला, दिखाओ क्या लिखा आपने, रा, आखी मात्रा लगाओ, डंडा लगाओ, वेरी गुड, धा, धा धा धा, डंडा आएगा, वेरी गुड। और देखो तुमने जो बनाया ना, ये क्या है, ये है घर वाला घ, अब जैसे इसमें ये लगता है तो बनता है धा, और धा के ऊपर वाले को खाली छोड़ते हैं, डंडा कवर नहीं करता, ठीक है। राधा गम ला, ला में डंडा, गमला, फिर से ला, ला लिख के डंडा लगा दो, जैसे ही मैं बोलूंगी कोई ला, इसका मतलब डंडा है ना, आ की मात्रा जो लगती है एक डंडे से दिखाते हैं उसको, दिखाओ आप, दिखाओ, राधा गमला ला, ला तो करो, ला करो, ला गमला, ला गमला तो हो गया, अब ला लेके भी तो आना उसको, ला, उसके बाद क्या करेंगे, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण विराम का चिन्ह यानी कि एक डंडा, वेरी गुड, शाबाश। राधा, देखते बॉयज क्या कर रहे हैं हमारे गुड बॉयज, राधा, वेरी गुड, राधा गमला, ये हटाओ भी, ला गमला लेकर आने को बोल रहे हैं ना हम, आ की मात्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तरुण दिखाओ, बिल्कुल सही सही, गमला, ये हटाओ, डॉट नहीं आएगा, इंग्लिश में डॉट आता है और हिंदी में डंडा लगाते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण विराम का चिन्ह, ला, ला करो, राधा गमला ला। घर पर जाकर भी आप इस तरह से ही, इस तरह से लिखने का अभ्यास करो, दिखाओ मानस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बढ़िया।
ठीक है, माता पिता आपको इस तरह से करवाएंगे तो आप बहुत जल्दी लिखना सीख जाएंगे।